Hello students, welcome again to my channel Guru Sanchar. आज मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर हम लोग बेसिकली अपने दोस्तों को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं, अपने मॉम, डैड, अंकल, आंट, कज़न्स, इन लोगों को लिखते हैं. इन लेटर्स में हम लोग इनफॉर्मली यानी कि बेझिझक थोड़ी बहुत बातें करते हैं, एक दूसरे का हालचाल लेते हैं, घर पे क्या हुआ, पिकनिक पे क्या किए, कब हमारा एग्ज़ाम आउट हुआ, रिज़ल्ट कैसे हुआ, इन सारी बातों को हम लोग शेयर करते हैं. आइए हम लोग अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं. मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट किस तरीके से होता है, उसमें नंबर्स हम लोगों को कैसे मिलता है. सारी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे जो लेटर्स है, जो फॉर्मेट जो मैंने दिया है, आप उसे प्लीज़ फॉलो करें. सबसे पहला जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, राइट हैंड साइड सबसे टॉप में योर एड्रेस. जी हाँ, यहाँ पे आप अपने घर का एड्रेस मेंशन करेंगे. उसके ठीक एक लाइन गैप देने के बाद आप एक दिन पहले का डेट देंगे. जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उससे एक दिन पहले का, चाहे वो आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में लिख रहे हों या आप घर पे प्रैक्टिस करने के लिए भी लिख रहे हैं, आप अपनी ये आदत बना लीजिए कि आप एक दिन पहले का एड्रेस दें. आपको येलो एरो राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा, आपके एड्रेस के ठीक बाद वो एड्रेस, वो डेट आपको मेंशन करना है, जो लिखा हुआ है 9 जुलाई 2009. आप आज का डेट मेंशन कर सकते हैं एक दिन पहले का. फिर आप आ जाएं लेफ्ट हैंड साइड ग्रीटिंग. ग्रीटिंग डियर, आप डियर के बाद वहाँ पे एक्स दिया हुआ है, उसके जगह में आप लिख सकते हैं अंकल, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर. आप जिसको एड्रेस करना चाहते हैं, जिसको आप लिखना चाहते हैं, आप उनको लिख सकते हैं. आप अगर अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं डियर फला, डियर फला. जी हाँ, आप अपना फ्रेंड का नाम दे सकते हैं. उसके बाद आप इस स्क्रीन में दिए हुए दो लाइंस, फर्स्ट टू लाइंस को आप फॉलो करें. वो फर्स्ट टू लाइन है ओपनिंग, इंट्रोडक्शन भी हम लोग उसे कहते हैं, ओपनिंग या इंट्रोडक्शन. हेलो, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, आप कैसे हो. आई एम राइटिंग दिस लेटर, आपका जो भी मकसद है आप वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं. आप अपना मकसद मेंशन कर सकते हैं. आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट माय एकेडमिक रिजल्ट. जी हाँ, आप अपने रिजल्ट्स के बारे में लिख सकते हैं अपने फ्रेंड को, अपने अंकल को, अपने आंट को, या आप बाहर दूसरे शहर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने फादर को लिख करके बता सकते हैं, आप अपनी मॉम को लिख करके बता सकते हैं, अपनी मदर को लिख करके आप बता सकते हैं. उसके बाद आप मिडिल में जो कंटेंट है, आप उस कंटेंट को ज़रूर फॉलो करें. इस कंटेंट में आप लिखेंगे कि आपने एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरीके से की थी, आप एग्ज़ाम्स में आपके कौन कौन से डेट्स में एग्ज़ाम हुए, कौन से एग्ज़ाम्स आपके बहुत अच्छे गए थे, कौन सा एग्ज़ाम में आपका क्या एक्सपेक्टेशन था, आपका नंबर कितना हुआ है, सारी चीज़ों को आप ज़रूर उस बॉडी में, कंटेंट में आप लिख सकते हैं. पहला पार्ट ओपनिंग और इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने अपना लेटर लिखने का मकसद बताया. दूसरा पार्ट जो कंटेंट मेंशन किया गया है एरो से, उसे हम लोग बॉडी भी कहते हैं,
आप वहाँ पे अपनी सारी बातें लिखें। लास्ट में जो लास्ट पैराग्राफ जो होती है वो है क्लोजिंग, उसमें आप और हम ये लिखते हैं कि ये लेटर लिख करके मुझे आपको बहुत ही संतुष्टि मिली है, बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करने के बाद, मैं अपना ये लेटर अब एंड कर रहा हूँ, एंड कर रही हूँ। और इसके साथ साथ आप उन्हें ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। हमारा लेटर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, पहला ओपनिंग इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट कंटेंट बॉडी, तीसरा पार्ट क्लोजिंग, लेटर कंप्लीट। उसके बाद लास्ट में आप राइट हैंड साइड बॉटम में यानी कि नीचे में आप योर सिंसेयरली योर लविंगली आप लिख करके एक कॉमा लगा दें। उसके बाद आप अपना नाम दे सकते हैं, जो भी आपका प्रिय नाम है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कुछ चीज़ें जहाँ पे आप अपना लेटर कुछ भी आप बस अटेम्प्ट कर लें, आप कुछ भी लिख दें, आपको एग्जामिनर आपको नंबर्स देंगे। जैसे कि योर एड्रेस डेट, आपने अगर सही लिखा आपको एक नंबर मिल जाएगा, यू विल गेट 1 marks फॉर दिस ओनली। फिर आपको एक नंबर मिल जाएगा ग्रीटिंग, डियर फला, डियर राहुल, डियर आयशा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा एक नंबर। और लास्ट पार्ट योर सिंसेयरली कॉमा, आप अगर ये लिख देते हैं यहाँ पे 1 marks। मोस्टली हम देखते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में हमें नंबर्स मिलते हैं लेटर्स में 10 numbers, 10 marks के होते हैं हमारे लेटर बेसिकली, उसमें से आपको 3 numbers ऐसे ही मिल गए। फिर आपको ओपनिंग पार्ट में जो आपने लिखा इंट्रोडक्शन, वहाँ पे आपको 1 or 1.5 marks आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। सो इन टोटल आपको आउट ऑफ 10 4.5 सिक्योर्ड है। आप अपने एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में आप अपेयर कर रहे हो, डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दीज पॉइंट्स सिंसियरली, काफ़ी ध्यान से लिखें, अच्छा लिखें, पूरा नंबर आपको मिलने की ज़्यादातर चांसेस है। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, इसे प्लीज़ एक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल गुरु सज्जाद को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इस तरह की वीडियो की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दिस इज़ For all the students, this is for all the students. Please subscribe my channel. Thank you all. Bye-bye. Take care.